स्वागत है आप सभी का एएसआर जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। तो आज के अपने इस ब्लॉग में हम बात करेंगे टाटा टियागो के फोर्थ सर्विस की। और ये जो सर्विस है ये मैं ऑटो मार्केट करवा रहा हूँ, मतलब बाहर सर्विस स्टेशन से करवा रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी कि आपको अगर यही सर्विस अगर आप कंपनी से करवाते हो तो किस प्राइस पॉइंट में रहती है, और यही सर्विस अगर आप बाहर करवाते हो तो किस किस प्राइस पॉइंट में ये आपको पड़ने वाली है। और इस सर्विस में जो भी पार्ट्स जो चेंज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने ओडोमोस से ऑर्डर कर रखे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इस सर्विस में जो जो चेंज होंगी वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक ये रहेगा इसमें एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर रहेगा और यहाँ पे एसी फिल्टर रहेगा। इसका जो प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, 939 के ये भी डिलीवरी चार्जेस मुझे जम्मू में पड़े थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक इंजन ऑयल जो मैं डलवाऊंगा, इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल जो रहेगा सिंथेटिक 5W30 वाला ये रहेगा, टोटल का इंजन ऑयल रहेगा ये। और ये सारी चीज़ें आपको जो कि वीडियो में आगे चल के देखने को मिलेगी, और मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, जो कि सर्विस स्टेशन से सर्विस ना करवा के एक ऑटो मार्केट अगर आप सर्विस करवाना चाहते हैं अपनी टाटा की गाड़ियों की। सो दोस्तों, इस तरह से आप इंजन का लेआउट दे सकते हो टाटा टियागो का। और अब यहाँ से भैया जो नीचे वाला जो नेट है उसको खोल रहे हैं, और यहाँ से ड्रेन होगा पूरा ऑयल। मैं आपको बता दूँ इसमें इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है वो 3.5 लीटर की है। सो वो जो प्रोसेस होगा वो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। सो ऑयल जो है वो पूरी तरीके से ड्रेन जो है वो हो चुका है, और अब बारी है कि ऑयल फिल्टर को चेंज किया जाए। सो टाटा टियागो की एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि इसका जो ऑयल फिल्टर है वो ऊपर से ही खुल जाता है, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आप देख सकते हो जो ऑयल फिल्टर है वो टोटली रिमूव हो चुका है, और तो बहुत ही आराम से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है कुछ अलग ही है अलग गाड़ी बाकी गाड़ियों से। ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस टाइम की अब न्यू जो ऑयल फिल्टर है उसको इंस्टॉल किया जाए, लेकिन उससे पहले आप भैया देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब जो इसकी ओरिंग होती है उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन दे रहे हैं कि अच्छे से वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप अपना मार्केट गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं। तो इस टाइम की अब एयर फिल्टर जो पुराने वाला एयर फिल्टर है उसको बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं टाटा टियागो में जो एयर फिल्टर की असेंबली रहती है वो यहाँ पे फिट होती है। तो ये चीज़ आप दोस्तों आपको ये पूरा कवर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो पुराना एयर फिल्टर, और इस तरह की इसकी कंडीशन जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट चोक ही है ये। सो दोस्तों, न्यू एयर फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले जो कैबिन स्पेस है एयर फिल्टर की उसको आप प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें। तो ये चीज़ आप वीडियो में देख सकते हो। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप देख सकते हो कि न्यू एयर फिल्टर जो है उसको इंस्टॉल करने का तरीका पूरा, और ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। देन इसके बाद पूरा उसका प्रॉपर कवर जो होगा वो लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम की अब इसमें इंजन ऑयल जो है उसको फिल किया जाए। बट मैं उससे पहले बता दूं कि नीचे वो चैम्बर जो नट था उसको लॉक कर दिया है प्रॉपर तरीके से, और इसके बाद ही अब इसमें इंजन ऑयल जो है वो डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं, टोटल का ये है फुली सिंथेटिक 5W30 जो कि टाटा की रिकमेंडेशन पर ऑयल आता है, और 3.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी जो है वो रहने वाली है। सो इंजन ऑयल डालने के बाद अब गाड़ी के टायर्स खोले जाएंगे, देन उसके बाद इनके ब्रेक पैड जो होंगे वो चेक करे जाएंगे। अगर चलने की कंडीशन में होंगे तो चेंज नहीं करेंगे, तो अगर देखेंगे अगर कि अब कैबिन फिल्टर जाने की एसी फिल्टर को चेंज किया जाए, तो ये आप देख सकते हो न्यू एसी फिल्टर जो कि टाटा का है, और ये पुराना एसी फिल्टर जो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है। और पोजीशनिंग इसकी जो टियागो की एसी फिल्टर की पोजीशनिंग होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो टाटा टियागो की सर्विस पे, और ये टियागो की फोर्थ सर्विस रहने वाली है जो कि मैंने आफ्टर मार्केट करवाई है।
इस वीडियो को बनाने का बस ये मकसद है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने रिव्यूज़ देखे थे YouTube पे कि लोगों का टाटा से काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है टाटा के शोरूम सर्विस सेंटर से। सो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है गाड़ियों की तो आप गाड़ी की सर्विस ऑटो मार्केट सर्विस स्टेशन से भी करवा सकते हो। आपको बस इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपके गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो चेंज होने हैं। जैसे इस टाइम मैंने अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और कैबिन फिल्टर चेंज करवाए हैं। देन उसके बाद इंजन ऑयल जो डाला है मैंने वो रिकमेंडेड टाटा का ही डाला है। ब्रेक पैड्स मैंने चेक करवाए, वो भी मतलब वर्किंग कंडीशन में थे। तो जो जो चीज़ें चेंज होने वाली थी उनको मैंने चेंज करवाया और जो नहीं चेंज होने वाले थी उनको फिर से साफ करके हमने जैसे ब्रेक पैड थे वो डाल दिए। तो ये चीज़ें आप भी अपना के अपनी गाड़ी की जो है वो सर्विस कॉस्ट को कम कर सकते हैं और बट मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गाड़ियों का, ये चीज़ तभी करें। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है और 3 सिलेंडर इंजन है टाटा टियागो का, तो इसलिए थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बाकी अभी लाइटनिंग वगैरह चेक की जा रही है गाड़ी की। तो दोस्तों अगर आप ऑटो मार्केट सर्विस करवाते तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें, गाड़ी की सर्विस हो जाने के बाद गाड़ी को आइडल कंडीशन में स्टार्ट करिए और उसे आइडल ही रहने दीजिए 2-4 मिनट के लिए और फिर उसके बाद अपने फिल्टर की पोजीशन देखिए, यहाँ से कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। यानी उसके बाद जहाँ से इनलेट रहता है इंजन ऑयल का तो वहाँ से भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद गाड़ी के नीचे जाके जहाँ से जो नट होता है उसको चेक करिए कि वहाँ से भी जो इंजन ऑयल है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो टियागो की सर्विस पे। मैं आपको इस सर्विस के एक्सपेंसेस बता देता हूँ। 936 का मुझे जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर पड़े थे और 2000 रुपये का मुझे इंजन ऑयल पड़ा था एंड उसके बाद 1000 मुझे यहाँ पे लेबर चार्जेस पड़े। लगभग 4000 के अंदर मैंने टाटा टियागो की जो थी फोर्थ सर्विस कम्प्लीट करवा ली है और वो भी अपनी आंखों के सामने और बिल्कुल सेटिस्फाई तरीके से मैंने इसकी सर्विस करवाई है और हर एक चीज़ मैंने खुद यहाँ पे चेक करके देखी हुई है। सो इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवा सकते हो अगर आप टाटा के ऑथराइज डीलर्स या सर्विस सेंटर में नहीं जाना चाहते। और आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और किसी पॉइंट पर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जो मेरा चैनल है ऐसे जो मूल आप उसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।